हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग लिटिल ब्राइड्स का जो है क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये क्लास 7 की लेसन नंबर 5 वाली लेसन है, तो इसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं कि क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डज द लिटिल ब्राइड से टू हर मदर, छोटी सी चिड़िया अपनी माँ से क्या कहती है। फ्रेंड्स, जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो छोटी चिड़िया है अपनी माँ से क्या कहती है और उसकी क्या इच्छाएं होती हैं, तो अब उसी को जो है हम लोग को आंसर में लिखना है। तो यहाँ से देखिए, पहला हम लोग फिर क्वेश्चन समझ लेते हैं कि व्हाट डज द लिटिल ब्राइड से टू हर मदर, छोटी सी जो चिड़िया है वो अपनी माँ से क्या कहती है। फ्रेंड्स, तो जो आंसर है वो ये है, द लिटिल ब्राइड से टू हर मदर दैट लेट मी फ्लाई, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो छोटी चिड़िया है वो अपनी माँ से कहती है, द लिटिल ब्राइड से टू हर मदर दैट लेट मी फ्लाई, माँ मुझे उड़ने दो, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन का जो है आंसर हो गया है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, और सेकंड क्वेश्चन ये है, व्हाट डज मदर टेल द लिटिल ब्राइड टू डू, माँ ने उस छोटी चिड़िया को क्या करने के लिए कहा। तो चलिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है आंसर है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, जो सेकंड आंसर है वो ये है, वो ये कहने के लिए कर रही हैं, मतलब व्हाट डज मदर टेल द लिटिल बर्ड टू लिटिल ब्राइड टू डू। तो यहाँ देखिए, द मदर टोल्ड द लिटिल ब्राइड दैट यू शुड रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, माँ ने उस छोटी चिड़िया को बताया कि तुम्हें जो है थोड़ा बहुत आराम करना चाहिए, टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्ग, तब तक आराम करना चाहिए जब तक कि तुम्हारी जो छोटी छोटी पंखे हैं वो मजबूत ना हो जाए, ठीक ना। तो जब तक तुम्हारी छोटी छोटी पंखे मजबूत हो जाएं ना हो जाएं, तब तक तुम्हें आराम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज लिटिल बेबी रेस्ट फॉर सम टाइम, तो व्हाई डज लिटिल बेबी रेस्ट फॉर सम टाइम, जो छोटी सी बेबी है वो क्यों कुछ समय के लिए आराम करती है। तो चलिए इसके भी आंसर को हम लोग देख लेते हैं कि छोटी सी जो बेबी है वो क्यों कुछ पल आराम करती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लिखा गया है फोर फ्लाई लिटिल बेबी रेस्ट फॉर सम टाइम। तो यहाँ पर देखिए, फोर फ्लाई लाइक LIKE लाइक द ब्राइड, ठीक ना, BIRDIE, ठीक ना। तो चिड़िया की तरह उड़ने के लिए वो छोटी सी लड़की कुछ समय आराम करती है। तो फोर फ्लाई लाइक द ब्राइड, ठीक ना, लाइक द ब्राइड यानी वही चिड़िया की बात की जा रही है। तो यहाँ पर फोर फ्लाई लाइक द ब्राइड लिटिल बेबी रेस्ट फॉर सम टाइम, तो उस चिड़िया की तरह उड़ने के लिए छोटी सी बेबी कुछ पल आराम करती है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल हैपन इफ अ लिटिल बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा इफ अ लिटिल बेबी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, क्या होगा जब वो छोटी सी बेबी जो है थोड़ा सा आराम कर लेगी, थोड़ा बहुत आराम कर लेगी, तो वो क्या कर लेगी। तो यहाँ पर जो है आंसर ये है कि देन सी फ्लाइज अवे, ठीक ना, तब जो है वह उड़ जाएगी, जो छोटी सी लड़की है वो क्या होगी, उड़ जाएगी। Like the bride, okay. Then she flew away like the bride. या फिर अगर हम लोग ये भी चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि then flew away and woke up.
ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, पर ये जो लिखा गया है यही बेहतर है, आप लोग ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर ई आपको दिखाई दे रहा है, इसमें थोड़ा सा लोचा है, और वो लोचा ये है कि क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द टू विंग्स सॉरी टू थिंग्स दैट यू कैन डू बट अ बर्ड कैन। यहाँ पर प्रश्न ये है कि व्हाट आर टू थिंग्स, वो दो चीज़ें कौन सी है दैट यू कैन डू, जो आप कर सकते हैं, बट अ बर्ड कैन, लेकिन अ बर्ड कैन, एक चिड़िया सकती है। ये जो क्वेश्चन है आई थिंक अनकम्प्लीटेड है, अगर यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन जो है समझाने लायक होता तो जो है मैं इसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करता, बट आई थिंक ये जो क्वेश्चन है वो अनएक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि इसका आंसर मैं नहीं बता पाऊँगा, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स वर्ड पावर में आप लोग चाहें तो मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर